नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी अच्छे से चल रही होगी। और फ्रेंड्स, मैं अंजू जम्मू से एक बार फिर से आप सबके बीच एक नए टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स, आज जो आपके सामने प्लांट रखा हुआ है वो एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, जिसको सब लोग डॉग फ्लावर के नाम से, एंटी राइनम के नाम से और स्नैप ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी फ्लावर प्लांट के बारे में कुछ बातचीत करेंगे और इसकी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करने से पहले, सबसे पहले ये एक इसकी एक क्यूट सी एक जो इस फ्लावर की जो खासियत है वो मैं आप लोगों से शेयर करती चलूँ। जस्ट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ये अपने एक इसी प्रोसेस के लिए जाना जाता है, जो सब बच्चों में भी एक बड़ा ही एक फ्लावर प्लांट है। मेरे बेटे मन्नत को भी खासकर ये फ्लावर प्लांट बड़ा ही अच्छा लगता है। वो जब भी आता है तो इसके क्यूट से कैसे, शायद इसलिए इसका इसके फेस को ऐसे ओपन ज़रूर करता है। और बड़ा ही जब भी आता वो हमेशा इस प्लांट को ज़रूर इस तरह से, वो ज़रूर इसको हाथ लगा के, इसको टच करके, इसके फेस को ओपन करके हमें बताता है। तो उसको बड़ा ही पसंद है और मुझे लगता है ये सबसे, ये ही एक चीज़ है जो इस फ्लावर प्लांट को एक बड़ी ही सुंदर बनाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसी फ्लावर प्लांट के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्लांट के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि जब ये मैंने प्लांट सीड से ही ग्रो किया था, लेकिन सर्दियां कुछ ज़्यादा होने की वजह से इसमें फ्लावर जो हैं वो बड़े लेट आए। अब जाके इसमें आप देख ही रहे हैं ये फ्लावर हैं। ये सब प्लांट्स फ्रेंड्स मैंने सब सीड से ही ग्रो किए हुए हैं। और इसकी एक बार मैंने शायद आपको इसकी सीडलिंग बताई भी थी कि मैंने ये सीडलिंग करी है, लेकिन बड़ा ज़्यादा बारिश की वजह से कुछ बड़ा ही इसकी जो ग्रोथ थी बड़ी स्लो हुई। और फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये इसकी सीडलिंग भी हम लोग कर सकते हैं, और अगर आप सीडलिंग नहीं कर सकते तो आप इसको नर्सरी से बड़े इजीली ही आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये बड़ा इजी टू ग्रो प्लांट है, सिर्फ इसकी थोड़ी सी इसकी जो केयर करनी पड़ती है। और बड़ा ही ब्यूटीफुल प्लांट है और ये बड़े ही अच्छे अच्छे कलर्स में मिल जाता है, जैसे आपके सामने ये कलर्स रखे हुए हैं। मेरे पास ये येलो, जब मैंने सीड्स ग्रो किए थे मुझे पता नहीं था कि ये कौन कौन से कलर्स हैं। और ये जैसे देख रही यहाँ पर, ये एक रेड कलर है, ये येलो कलर है, और भी एक कलर था वो पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। तो फ्रेंड्स, चलिए आज इसी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी पॉट की बात करूं तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं, मैंने इसके लिए बड़ा ही कुछ नॉर्मल ही एक पॉट, ना ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा लिया है। आप चाहे तो इसको कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको हैंगिंग प्लांटर में भी बड़े अच्छा ग्रो कर सकते हैं, जो देखने में बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है। और इसके लिए ज़्यादा, इसकी जो रूट्स होती हैं फ्रेंड्स वो बड़ी ही शेलो रूट्स होती हैं, बड़ी गहराई में नहीं जाती। तो इसके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि आप बहुत बड़े पार्ट, बहुत बड़े कंटेनर का एक आप इसको लाएं, उसको लगाएं। इसके लिए आप छोटे छोटे प्लांटर्स भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको किसी वेस्ट प्लांटर भी आप घर में बना सकते हैं। तो चाहे आपके पास छोटे छोटे प्लांटर भी, ये बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है और बड़ा ईजी टू ग्रो प्लांट है। और बड़ी ही जल्दी ही ये बड़ा बुशी सा हो जाता है, जैसे आप ये देख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज सबसे पहले इसकी सॉइल की बात करते हैं। फ्रेंड्स, इसको लगाने के लिए हमें सबसे पहले जो हमें पॉटिंग मिक्स जो तैयार करना है, वो इसके लिए हमें एक वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें सबसे पहले गार्डन सॉइल और उसमें कुछ हमें सैंड की मात्रा रखनी है, और कोई भी फर्टिलाइज़र आपके पास जो भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, और आप अगर आपके पास है काऊ मैन्योर है आप कुछ भी डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में तो आप इसके पॉट को ऐसे ही एक, जब भी आप इस प्लांट को लगाएं इसमें, इसका जो पॉटिंग मिक्स है इससे ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। बट जैसे जैसे ही, क्योंकि आप जैसे जानते ही हैं कि जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है उसका जो लाइफ साइकिल होता है बड़ा कम होता है, और फ्लावरिंग लेने के लिए हमें 10 to 15 डेज में हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहें तो उसमें मस्टर्ड के एक पाउडर का जो एक लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें
बोन मील भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे उस एक बार में डालने के बाद मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही अप्लाई करती हूँ, क्योंकि इसकी रूट्स बड़ी शेलो होती है और बड़ी ज़्यादा मैं इसको बड़ा ज़्यादा इसमें जो सॉलिड फॉर्म में जो मैं फर्टिलाइज़र भी अप्लाई नहीं करती इसमें, फिर मैं एक बार डालने के बाद मैं इसमें सिर्फ एक लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इसमें डालती हूँ। आप चाहे तो कोमेनर का भी एक लिक्विड टी कंपोस्ट बना के भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो उसमें भी ये बड़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। और फ्रेंड्स अगर इसको वाटरिंग की बात करूँ तो फ्रेंड्स वाटरिंग के लिए मैं हमेशा एक ही रूल जो होता है कि हमेशा सॉयल चेक करके ही वाटर हमें ऑफर करना चाहिए। बड़ी ज़्यादा हमें मिट्टी को सोगी नहीं करना है, हमेशा सॉयल को चेक करके वाटर ऑफर करें। अगर आपको लगता है कि उसकी नेसेसिटी है वाटर की तो आप उसको ऑफर कर सकते हैं, अदरवाइज उसको दलदली उसकी उसमें हर टाइम हमें उसे वाटर नहीं करना है। और कोशिश करें अगर हम, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लांट है वो हमारे ओवर वाटरिंग की वजह से ही ख़राब होते हैं। और सर्दियों में मुझे लगता है कि हमें इतनी ज़्यादा सर्दियों की वजह से मिट्टी काफ़ी दिन तक भी मॉइस्ट रहती है, तो हमें हमेशा वाटर को सॉइल को चेक करके ही वाटर हमें ऑफर करना चाहिए। और फ्रेंड्स जब भी आप इस प्लांट को, खासकर आप इसको वाटर ऑफर करें तो डायरेक्ट इसके फ्लावर्स पे इसके प्लांट पे कभी मत डालिए। जब भी आप इसको वाटर ऑफर करें तो आप इसकी ये प्लांट्स को ऐसे पीछे थोड़ा सा पीछे करके तब वाटर डालें, क्योंकि इससे इसके फ्लावर्स भी ख़राब होने का डर रहता है और इसकी लीव्स में भी बड़ी जल्दी ही ख़राब हो जाती है। बड़ी टेंडर सी ऐसी लीव्स हैं जैसे ही मैं चेक करती हूँ। और मैं सच बताऊं तो इसको वाटर जब भी दे तो इसकी जो लीव्स है ये अपना इंडिकेशन खुद भी दे देते हैं कि इन प्लांट्स तो बड़े ज़्यादा हार्डी होते हैं, तो उनमें तो वाटर कभी कभी एक या दो दिन भी चल जाते हैं, लेकिन ये लीव्स बड़ी जल्दी इसकी सॉफ्ट गिरने लगती है, तो हमें पता चल जाता है। दैट्स वो इंडिकेशन होता है हम लोगों के लिए कि अब इस प्लांट को वाटर की ज़रूरत है, तब आप वाटर ऑफर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी लोकेशन की, तो सनलाइट की अगर इसकी बात करूँ तो फ्रेंड्स ये एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, ऑब्वियस है कि इसको सनलाइट की ज़रूरत तो पड़ेगी, और कम से कम इसको 3 से 4 घंटे की जो धूप है इस प्लांट के लिए सफिशेंट है। और अब जैसे जैसे ही हमारे, और आप ये देख रहे हैं ये अभी भी हमारे J&K में, वैसे तो कई कई जगह पर तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, तो उस जगह की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ हमारे J&K में विंटर फ्लावरिंग जो प्लांट है वो काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं, क्योंकि हमारा कुछ ठंड का मौसम काफ़ी, इस बार तो वैसे भी मौसम भी थोड़ा सा बारिशों वगैरह की वजह से कुछ मतलब गर्मी अभी इतनी नहीं है कि ये प्लांट्स हमारे फिर भी सर्वाइव कर ही रहे हैं, तो इसलिए अभी ये प्लांट काफ़ी, ये आप जैसे देख ही रहे हैं काफ़ी फ्रेश और काफ़ी वो आपको लग भी रहे होंगे, तो इसलिए आप इसको बड़ी ज़्यादा जब भी इसको सनलाइट में रखें तो इसको 3 या 4 घंटे की जो धूप है वो इस प्लांट के लिए सफिशेंट है। तो आप ये देख ही सकते हैं, ये मैं यहाँ से भी अगर आपको यहाँ बताऊँ, अभी भी कहीं से भी कोई प्लांट मतलब अभी भी मुझे सारा प्लांट ये ग्रीन ही लग रहा है कहीं से भी, अभी भी आप देख लें, नहीं तो गर्मियाँ पड़ने से कई बार क्या होता है कि ये प्लांट भी जैसे इसका लाइफ साइकिल जो हमारा जो सीजनल प्लांट है तो वो हमारा ख़राब भी हो जाता है, लेकिन जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये अभी भी हमारे, क्योंकि हमारे J&K में अभी भी मौसम अच्छा है, तो दैट्स वाई ये प्लांट अभी भी चल रहे हैं मेरे ये प्लांट्स। और नहीं तो कहीं कहीं जगह पर तो जो प्लांट है विंटर फ्लावर अब वो ख़त्म ही हो चुके हुए हैं, तो ये बड़ा ही एक ब्यूटीफुल प्लांट है। अगर आपने अपने घर में ये डॉग फ्लावर प्लांट नहीं लगाया तो ज़रूर लगाइए, और आप लगा के अपने गार्डन में अपना कलर ऐड कर सकते हैं। और आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।